नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। चीन में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ये केस केवल मुश्किल चीन के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी है। भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले केवल चीन में ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों में दिखाई दे रहे हैं, जैसे अमेरिका और ब्राजील भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से स्थिति और भी डरा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट यानी कि BF7 के मामले इस बार खतरा बन गए हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। बता दें, भारत ज्यादातर देशों के साथ व्यापारिक संबंध और साथ ही साथ देखा जाए तो लोगों का लगातार देशों से आना जाना रखता है और कोरोना के फैलाव का मुख्य कारण भी यही बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में हालात बिगड़ने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार अलर्ट मोड पर है, जहां एक तरफ आज देश में प्रधानमंत्री PM मोदी ने भी बैठक बुलाई है, तो वहीं देखा जाए तो देश के 7 मुख्य राज्यों में भी CM लेवल की मीटिंग देखी जा सकती है। आपको बता दें कि चीन की खबरें देश में इस कदर फैल गई हैं कि घर घर में इस खबर का अब खौफ देखा जा रहा है। अभी लोगों की जिंदगी अब पटरियों पर आई थी और फिर से इन पटरियों पर से जिंदगी उतरती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में आधी से ज्यादा जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि क्या इस नए वेरिएंट के मुख्य लक्षण होने वाले हैं। वैसे तो 16 मुख्य लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य लक्षण हैं हम वो आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। बात हम नए वेरिएंट के कुछ लक्षणों की कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट यानी कि BF7 की वजह से मांसपेशियों में दर्द, गंध न आना, अधिक बुखार, कपकपी के साथ बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने की समस्या और साथ ही साथ भूख न लगना और डायरिया जैसे कुछ मुख्य लक्षण देखे जा रहे हैं। कुछ आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों का कहना है कि जल्द से जल्द लोग इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं और साथ ही साथ कई लोग 5 दिन के बाद भी दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग संक्रमित होने के 10 दिन बाद तक संक्रमण फैलाते हैं। इसलिए जिन लोगों को लक्षण नज़र आ रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक एरिया से कम 5 दिन दूर रहें। उन्हें अनदेखा करने की जगह उन लोगों से 5 दिन दूरी बनाए रखें। बता दें कि कम से कम 10 दिनों तक बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों से मिलने से आपको बचना चाहिए। आखिरी में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत में चीन जैसे समस्या नहीं है। भारत को चीन के बढ़ते मामलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क अभी से ज़रूरी है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।